भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा का चाबुक अब की बार किस नेता या अभिनेता पर नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त की कस्में खाने वाले अधिकारियों पर चला है। जनता की सेवा के लिए बैठे इन अधिकारियों ने दो बड़े शराब कारोबारियों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है। मामला फरीदाबाद के दो बड़े शराब कारोबारी सुरेश बंसल उर्फ टीपू और राजेश ठाकुर से जुड़ा है, जिनके खिलाफ फरीदाबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। गौर करने वाली बात यह है कि दर्ज की गई FIR में HSVP के दो अधिकारी रामकिशन और प्रदीप कुमार का नाम भी शामिल है। जानकारी देते हुए फरीदाबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो के SP बाल सुब्रमण्यम ने बताया कि HSVP के दो अधिकारियों की मिली भगत से शराब के दो बड़े कारोबारियों ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन बिना कोई सरकार को रेवेन्यू दिए अलॉट कर दी गई थी। इस पूरे मामले की जांच ACB की तरफ से की गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये तो शराब कट्टे का इलीगल एनक्रोचमेंट था जो चला रहे थे वो जो HSVP के अधिकारियों के मिली भगत के साथ था, और सरकार को नुकसान भी हो रहा था और प्राइवेट आदमी को तो फायदा भी पहुंच रहा था, और इसमें जो नुकसान हो रहा था जो हम करोड़ों का नुकसान हो रहा था और जो प्राइवेट आदमी को जो फायदा भी पहुंच रहा था ये शराब के ठेका चलाने से। तो ये सब मामला वेरीफाई करने के बाद उसके बाद ये दो पर्चा दर्ज हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और फुल स्विंग में जारी है और ये भी जल्दी हम कम्प्लीट करके इसका चलान फाइल कर देंगे। अभी तो FIR दर्ज हुआ है, अभी आगे कार्रवाई जो भी लॉ के मुताबिक है वो हम करेंगे। अगर गिरफ्तारी करके कुछ रिकवरी करना है या कुछ करना है करेंगे, लॉ के मुताबिक करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अब देखना ये होगा कि दर्ज किए गए मामले पर कितनी जल्दी कार्रवाई विभाग द्वारा करके दोषियों से सरकार को हुए करोड़ों की भरपाई की जाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV।